दोस्तों, एक कलाकार न तो नाम का भूखा होता है न ही दाम का, वो भूखा होता है तो बस आप सबकी तालियों का। धन्यवाद। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जजमान, पिता का नाम? स्वर्गीय श्री भायाराम। अपना नाम बोलो। श्री मायाराम। ओम श्री। श्री, ये श्री क्यों? क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी का कहना था, अपना सम्मान स्वयं करो और दूसरों का वो भी करो जरूरत पड़ने पर। ओ, जजमान हाथ में कुछ द्रव्य रखो। द्रव्य? द्रव्य तो नहीं है पुरोहित जी। अरे 500 रुपए का संकल्प करो जजमान। 500 रुपए का? ठीक है ठीक है, 5 रुपए का किया। कैसे कैसे खसिया रहे इस गांव में। अच्छा, अभी 5 दो, बाकी देते रहना। ठीक है। जजमान पूंछ पकड़ो। पूंछ? अरे नीचे क्या देख रहे हो, गाय की पूंछ पकड़ो। अच्छा अच्छा, तो ऐसे कहिए ना कि गाय की पूंछ पकड़नी है। ओम स्वर्गीय भाया राम के पुत्र माया राम ने 500 रुपए के साथ गोदान का संकल्प किया। अब माया राम परिक्रमा करो और पैर छूकर आशीर्वाद लो। जी पुरोहित जी। ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। प्रणाम पुरोहित। अरे मेरा पैर नहीं, गाय का पैर छुओ। अच्छा अच्छा, तो ऐसे कहिए ना कि गाय का पैर छूना है। प्रणाम गाय माता। आहा, आनंद हो आनंद हो। माया राम, गोदान का विधि विधान पूरा हुआ। अच्छा माया राम, आज गौदान करके तुमने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। हाँ। तुम्हें नहीं पता, गो का दान करने से आदमी का बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है। चलो धुल गया। ये पुरोहित पोंगानंद सपुत्र स्वर्गीय संजोगानंद तुम्हें ये आशीर्वाद देता है माया राम, कि तुम्हारे जीवन में सब आनंद ही आनंद हो। धन्यवाद पुरोहित जी, धन्यवाद। आयुष्मान। अब अपनी कबरी गाय संभालो और सेवक राम को इस कार्य से मुक्ति दो। आज से, बल्कि अभी से, ये कबरी गाय तुम्हारी हुई। ठीक है ठीक है। पुरोहित पोंगानंद जी। ओ पुरोहित पोंगानंद जी, आओ भैया अपनी गाय संभालो, वरना सेवक राम का राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे जल्दी आओ।
जल्दी आओ, मुझ पर तरस खाओ, जल्दी खाओ। आगे 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 भाई आगे। हाँ छोड़ दो छोड़ दो, अब ये भागने वाली नहीं है। पक्का छोड़ दूं? अरे हाँ भाई छोड़ दो। तो ठीक है भाई, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। भाई सेवक राम का काम था सेवा करना, जब तक जितना बन पड़ा किया। गाय माता अब सेवक राम को अपनी सेवा से मुक्ति दो। पुरोहित पोंगानंद जी, लो भैया ये मैंने कबरी गाय को छोड़ दिया। अरे अरे ये क्या, अरे भूकंप आ गया क्या? कई गाय गड्ढे में। अरे ये क्या हुआ? अरे पुरोहित जी लगता है गाय माता को मुक्ति मिल गई। क्या? इधर सेवक राम ने गाय माता को छोड़ा, उधर गाय माता ने दुनिया को ही छोड़ दिया। अरे पुरोहित जी कब से तो कह रहा था कि संभालो संभालो, लेकिन नहीं, तब किसी ने नहीं सुना। इतनी देर से कैसे संभाल रखा है मैं जानता हूँ। अगर थोड़ी देर और आपका ये पूजा पाठ का कर्म कांड चलता ना, तो गाय की जगह सेवक राम का ही कांड हो जाता। क्या? राम 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 राम, नहीं 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 माया राम, ये सरासर पाप है। ऐसी मरियल गाय का दान पुण्य नहीं महापाप है, महापाप। बताओ भला कभी सुना है ऐसा कि इधर गाय का दान हुआ हो, इधर गाय का काम ही तमाम हो गया हो? नहीं 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 माया राम, ये षड्यंत्र है षड्यंत्र। तुम दोनों ने मिलकर पुरोहित पोंगानंद को मूर्ख बनाया है, मेरे साथ छल कपट किया है। नहीं नहीं पुरोहित जी, सब प्रभु की माया है, उसकी माया अपरंपार है। अरे कबरी गाय बिल्कुल स्वस्थ थी, सुबह ढेर सारा खाया और खूब सारा गोबर भी किया था। बेमतलब हमारी नियत पर शक मत करो आप। पुरोहित जी मुझे तो लगता है कि आपकी किस्मत में गाय थी ही नहीं। खामोश। तो दोनों मेरी किस्मत को छोड़ो, तुम दोनों अब अपनी किस्मत की फिक्र करो। भगवान तुम्हारा भला कभी नहीं करेंगे माया राम, कभी नहीं करेंगे। माया राम तूने गांव के एक एक आदमी को खून के आंसू रुलाया है। सुबह सुबह हर कोई उठकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आज गलती से भी माया राम के दर्शन ना हो, और अगर हो जाए तो बस बचा लेना प्रभु बचा लेना। तुम्हारे मुंह से गौदान की बात सुनकर मेरा भी माता ठनका था। क्या है ये सूरज देव भला रात में कैसे निकलने लगे? लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं ज्यादा शक करना ठीक नहीं है। अब हो सकता है सुबह का भूला शाम को घर लौटना चाहता हो, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो, मगर नहीं, ये पुरोहित पोंगानंद अव्वल दर्जे का गधा निकला। जी चपराव, माया राम तूने तूने मुझे भी नहीं छोड़ा, सुबह सुबह तुम लोगों ने पुरोहित पोंगानंद को ही चूना लगा दिया। भगवान तुम्हें नरक भेजे नरक। ए पुरोहित क्यों तिल का तार बना रहा है? हैं? मेरी जिम्मेदारी तब तक थी जब तक कबरी गाय मेरे पास थी। दान देने के बाद गाय जिए या मरे, बछड़ा दे या बछिया दे, उससे मेरा क्या लेना देना। और वैसे भी कहा जाता है कि दान की बछिया का एक कान ही काफी है। हाँ, और तुम्हें तो दो कान के साथ साथ एक पूछ भी मिल गई है। अच्छा फिर ठीक है, खामोश चुप रहो। तुम दोनों इंसान नहीं शैतान हो शैतान। तुम दोनों को बैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ तक नसीब ना हो, यही नरक में पड़े सरते रहो, नरक में पड़े सरते रहो। कान खोल कर सुन लो माया राम, अब मेरी चोटी तभी कटेगी जिस दिन तुम दोनों मरोगे। मेरे दिल को तभी चैन मिलेगा। पुरोहित पोंगानंद सुपुत्र स्वर्गीय संजोगानंद, आज ये कसम खाता है। लोटा कहा है मेरा? कसम खाता है। पुरोहित पोंगानंद पुत्र स्वर्गीय संजोगानंद, आज ये कसम खाता है। इन भुखड़ लोगों को भी खाने पीने के अलावा कुछ सूझता नहीं। अरे मालिक वो तो आपने मुझे रोक लिया, वरना पुरोहित जी को यही तो भी पछाड़ मारता। वाह 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 वाह, ये वाह वाह क्यों? अरे मगही इस मीरपुर गांव का सवाल नहीं जवाब नहीं। अरे जब सवाल होगा तभी तो जवाब होगा ना। बात का बतंगड़ बनाने में ससुरे महारथी है महारथी। बिल्कुल देश विदेश कहीं की बातें करा लो। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी ताल ठोक कर ऐसे बात करता है जैसे इनसे बड़ा पंडित इनसे बड़ा ज्ञानी खोजे नहीं मिलेगा, जबकि ससुरे एक नंबर के लुल हैं। जग्गू बात तो 100% सही कह रहे हो। कभी गलत कहा है? अरे पहले गांव वालों में कुछ झगड़ा तकरार होता था तो गांव के लोग मिल बैठकर समझौता कराते थे। अरे गांव का मामला गांव में ही रफा दफा कराते थे, मगर आज आज
आज इस ताक में रहते हैं, कैसे ही गांव में कोई झगड़ा तकरार हो और हम गोबर पाते रोटियां सेके। ऐसा होते ही फटाफट गांव में दो पार्टियां बन जाती हैं। समझाने बुझाने की जगह लोग उकसाने लगते हैं, सब जी तोड़ कोशिश में लग जाते हैं कैसे ही गांव का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। अरे सुना? नहीं, हम बहरे हैं। मजाक छोड़ो, ठीक ठीक बताओ, सुना के नहीं? अरे प्रपंची, जब तक तुम बताओगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा? एक नंबर के निठल्ले हो निठल्ले। अब तुम नहीं, ये लोग, ये प्रपंची अपने आंख कान खुला ना रखे तो तुम लोगों को कुछ पता ही ना चले। ऊपर से पूरा गांव कहता है ये प्रपंची बड़ा प्रपंच बतिया था। प्रपंची ये सब छोड़ो, अपनी खबर सुनाओ। अरे तो आज सुबह सुबह ये हुआ, ये कि मैं वहां से जा रहा था। ये हुआ, ये हुआ। ससरा रहेगा पागल। अरे छोड़ो इसे, अपनी खबर सुनाओ। अरे हाँ हाँ, तो सुबह सुबह आज हुआ ये कि माया राम ने पुरोहित पोंगानंद से गौदान कराया। इधर गाय का गौदान हुआ, उधर धड़ाम गाय ने गोबर कर दिया, पुरोहित जी का पटाखा फूट गया। नहीं नहीं, धड़ाम से गौ माता गिरी और मर गई। राम 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 राम। फिर पुरोहित जी ताली बजाने लगे। नहीं नहीं, पुरोहित जी का गुस्सा सातवें में आसमान पर। ये क्या हो रहा है? पुरोहित जी की तबीयत खराब हो रही है। आग बबूला हो रहे हैं। आग बबूला होकर बोले, महाराम। पुरोहित जी श्रृंगार करने लगे। नहीं नहीं, अब ये चोटी चोटी तभी कटेगी जब तुम मरोगे। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने नाई का खर्चा बचा। कंजूसी सीखनी हो तो कोई पंडित पुरोहितों से सीखे, चित भी अपनी और पट भी अपनी। अंडा मेरे बाप का। प्रपंचित फिर क्या हुआ? फिर क्या, गांव में घूम घूम कर पुरोहित जी ने माया राम का सुनो 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 माया राम का हुक्का पानी बंद करने के लिए कहा है, और जो कोई ऐसा नहीं करेगा पुरोहित जी उसके यहाँ पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। हाँ, पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। इन पंडित पुरोहितों की पूजा पाठ के अलावा आमदनी क्या है? बिल्कुल, चोटी और लोटा, बच्चा पैदा होने से मरने तक झूठ मूठ का कर्म कांड कराकर पैसे ऐंठते रहते हैं। हाँ, माया राम को इस हुक्का पानी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुक्का वो पीता नहीं और पानी अपने कुएं का पिएगा। क्यों होगा? अरे बस यार। अच्छा पंची, एक बात बताओ। पूछो पूछो पंची। तो पूछो ना। गाय गौदान होने के बाद मरी ना? हाँ हाँ, गाय गौदान होने के बाद मरी है। लो बोला, अब इसमें माया राम की क्या गलती? कोई गलती नहीं, केस खारिज। हाँ, लेकिन गाय इतनी बूढ़ी थी कि गौदान होते ही वहीं गिरी और मर गई। अरे पुरोहित जी के दरवाजे तक भी नहीं पहुंची गाय भिखारी। दरवाजे तक ले जाकर दो चार बाल्टी दूध धो लेते तो दिल को चैन मिल जाता। यहाँ मिला जुला कुछ नहीं, समय गवाया अलग से। चूच पे लगी जीव झंड। बिल्कुल। लेकिन भैया एक बात जरा सच सच बताओ। क्या भैया? पूछो पूछो। क्या कभी कोई ऐसी बूढ़ी जर्जर गाय का गौदान कराता है? कराता है। क्या कराता है? नहीं कराता, बिल्कुल नहीं। अरे माया राम की माया तुम लोग नहीं जानते हैं? हाँ, इस गौदान के बहाने तीन तीन मतलब सिद्ध कर गया। वो कैसे? पहला पुण्य कमाया, कमाया। दूसरा बूढ़ी गाय से छुटकारा पाया, पाया। और तीसरा भूसा चारा की बचत कर गया, कर गया। क्या पुरोहित जी? पुरोहित जी ऐसा कल चुकाएगा। आ गया लागी पुरोहित जी। आयुष्मान भव। तुम लोगों को माया राम की करतूत का पता चला? जी बहुत बुरा हुआ। पापी ने मरी गाय का गौदान कर दिया, बहुत बुरा हुआ। अरे ये सरासर गोहत्या है, बहुत बुरा हुआ। इस पापी मायाराम को तो नरक मिलेगा, नरक। बहुत बुरा हुआ। चुप रहो। वीरपुर के तीन तिरंगे, तीनों नंगे। ये तो और भी बुरा हुआ। पुरोहित जी ने सोचा था साहिबाल बछिया मिलेगी। वह रे माया राम, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे माया राम ने ठगा नहीं।
सृष्टि निर्माता, भूत भविष्य के ज्ञाता, संसार के पिता और माता, पितामह ब्रह्मा जी पधार रहे हैं। वंडरफुल। क्या समाचार है? अब क्या सुनाएं प्रभु? समाचार वही तो सुना रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। प्रभु, जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। चित्रगुप्त जी प्लीज, यहाँ छायावादी कविता मत सुनाइए, यहाँ कवि गोष्ठी नहीं हो रही है। जो कुछ कहना है साफ साफ खुले शब्दों में कहिए। वैसे ध्यान रहे, होगा वही जो होना है। पितामह, पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार आपने बम विस्फोट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया था, फिर भी एक के बाद एक जगह जगह बम विस्फोट हुए और थोक में लोग मरे। ट्रेन दुर्घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं, फिर भी धड़ाधड़ ट्रेन एक्सीडेंट हुए और तमाम लोग, तत्काल वाले का काम तत्काल हो गया। भूकंप, बाढ़, महामारी का कहीं कोई जिक्र नहीं, फिर भी हजारों लाखों लोगों का काम तमाम हो गया। स्वर्ग नरक के प्रवेश द्वार पर लोगों की लंबी लाइन लगी है, लोगों ने ट्रैफिक जाम कर रखा है। अब आप कहें तो एंट्री शुरू करें? नो, अभी सबको वेटिंग में रखो, मुझे देखना पड़ेगा इसके पीछे किसी की साजिश नहीं। कोई तो है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। इंद्र की खुराफात से मैं भली भांति परिचित हूं। वैसे क्या नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था? प्रभु प्लीज डोंट माइंड। नो, सब कुछ मजाक बनता जा रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक पर व्यवस्था नाम की कोई चीज हो? यस, चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक पर भाईचारा बढ़े? बिल्कुल चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक पर शांति हो? यस यस, ये तो मेरा सदियों पुराना ड्रीम है, जो कि अभी तक ड्रीम ही है। और आपका ये ड्रीम ड्रीम ही रहेगा, कभी सच नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? व्हाई? वो इसलिए कि आपने पृथ्वी पर व्यवस्था, भाईचारा और शांति के लिए 50% नेताओं और पुलिस वालों का अंतिम टिकट काट कर रख दिया था, मगर मरा कोई नहीं। सबके सब पृथ्वी लोक पर दंड फैल रहे हैं और पब्लिक की रेल बना रहे हैं। कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वैसे होगा वही जो होना है। यमराज जी। जी प्रभु। इस बारे में आपको कुछ नहीं कहना है? क्या कहूं प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? मैं तो खुद तंग आ चुका हूं। कभी कभी तो मन करता है कि VRS ले लूं। क्यों क्यों? प्रभु, विश्व की जनसंख्या कहां से कहां तक पहुंच गई है और हमारा स्टाफ उतना का उतना ही है। मैं और मेरे असिस्टेंट के रूप में दो यमदूत, JP यानी जकड़ और पकड़। प्रभु, दुनिया बस, ट्रेन, हवाई जहाज से चल रही है और हमारे पास कन्वेंस के नाम पर है बूढ़ा भैंसा। अब मैं करूं तो करूं क्या प्रभु? दिल्ली जैसे शहरों में जहां तबेलों की भरमार है, वहां कुछ VIP इलाकों में पॉल्यूशन के कारण भैंसे की नो एंट्री होती है। मगर भैंसा तो पॉल्यूशन फ्री होता है, क्यों नहीं? प्रभु, आपसे किसने कह दिया कि भैंसा पॉल्यूशन फ्री होता है? प्रभु, ये कभी भी कहीं भी फ्री में पॉल्यूशन का ढेर लगा देता है। शिट। और हाँ, आजकल तो ये मनमानी करने लगा है। हाँ, हरियाली देखते ही टूट पड़ता है। अभी पिछले दिनों मैं इंडिया गया था राधे मां से मिलने। आपको बता रहा हूं, हरियाणा में मैं कुछ लोगों का ग्रहण काटने गया। अच्छा अच्छा, तो प्रभु मैं लोगों का ग्रहण काटने के लिए थोड़ी ही दूर पर गया और जब वापस लौट कर आया तो मैंने देखा वहां पर भैंसा ही नहीं था। नो डिसिप्लिन। बिल्कुल प्रभु। और फिर मैं खोजते खोजते थोड़ी दूरी पर गया तो मैंने देखा हमारे भैंसा महाराज गांव की भैंसों के साथ आइस पाइस खेल रहे हैं। यमराज जी, आपके वर्कलोड, आपके दर्द को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। जी प्रभु। लेकिन अपना दर्द सुनाने में किसको जाऊं? किसी जीव को कुछ समझ करके बनाता हूं लेकिन वो निकलता कुछ और है। अजीब अजीब से जीव पैदा हो गए हैं और अजीब अजीब सी इनकी हरकतें हैं। कभी कभी तो देखकर अफसोस होता है,
शिवराज जी जी, आपकी नजर में पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा है? मेरी नजर में? हाँ। तो प्रभु मेरी नजर में पृथ्वी का सबसे सीधा जीव मनुष्य है। नारायण नारायण। नारद मुनि आ रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। वेलकम मुनिवर, वेलकम। थोड़ा की हाल है? ये कौन सी भाषा है? ओ, ये क्या, आज तो आपकी वेशभूषा भी आपके अनुकूल नहीं लग रही है। और सुना है आजकल ब्रह्मलोक में शास्त्रीय नृत्य की जगह पाश्चात्य नृत्य चलने लगा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है मुनिवर। नारायण, समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन का अधिकार सबको है। नारायण, मैं सिर्फ इंडिया का ब्रह्मा नहीं हूँ, सो तो है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माता हूँ। जी, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, मुझे हिंदी संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी फ्रेंच अरबी फारसी सब बोलनी पड़ती है। अंटार्कटिक के माइनस टेम्परेचर में नंगे बदन जाएंगे तो वहीं पर मूर्ति बन जाएंगे। मुझे बुढ़ापे में सुसाइड नहीं करना है। मुनिवर, वैसे समय के साथ हमें अपनी संकीर्णता को त्याग देना चाहिए। त्याग? हाँ? पितामह, पितामह, वर्षों पुरानी अपनी परंपरा का क्या होगा, आपको इस बात का पता नहीं है? मुनिवर, परंपरा की चिंता छोड़िए, बैठिए। छोड़ दिया, होगा वही जो होना है। हाँ। मुनिवर, हाँ। एक बारे में मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। मेरा विचार? हाँ। पूछिए पूछिए। मुनिवर, अभी चर्चा चल रही थी यमराज जी से। हाँ? कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा है? हाँ। तो यमराज जी का कहना है पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव हाँ। मनुष्य है। नारायण नारायण नारायण। व्हाट हैपेंड? हमेशा हमेशा इनका मुर्दों से ही पाला पड़ा है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन किसी जिंदा इंसान से पाला पड़ गया ना, तो ये जो ऐसे ऐसे मूंछों में ताव देते हैं, कुछ नहीं रह जाएगी। नारायण नारायण नारायण। नहीं मुनिवर, मनुष्य ही सबसे सीधा जीव है, और यही है पृथ्वी का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हमारे लिए मंदिर बनवाता है, हमारी पूजा करता है। करने को तो मनुष्य भूत प्रेत की भी पूजा करता है, राधे माँ की भी पूजा करता है, लेकिन हर पूजा में श्रद्धा का भाव नहीं होता। कभी कभी मनुष्य स्वार्थवश भी पूजा करता, मेरा ये हो जाए, ये मतलब हो जाए। अच्छा, मेरा वो हो जाए, वो मतलब हो जाए। मैं सत्य कह रहा हूँ पितामह, मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो हमें किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुबेर की हालत देख लीजिए। हाँ, हमारे कुबेर की क्या हालत होती है? हा हा हा, पूछिए मत पितामह, पृथ्वी के सारे भिखारी कुबेर होते जा रहे हैं। हाँ, और सारे कुबेर कंगले होते जा रहे हैं। हाँ मुनिवर, हाँ, इन हजारों देवी देवताओं ने ब्रह्मलोक के काम काज को अपसेट करके रख दिया। बस, जिसे देखो वही वरदान अभिशाप देता रहता। हाँ। अब अपने भोले भंडारे भोले बाबा का तो कहना ही क्या। कोई कुछ मांगता बाद में, तथास्तु पहले ही बोलता। नारद, उसी दिन उसी समय पत्नी से प्रसन्न होकर बोलते हैं कि जाओ, सातों जन्मों तक तुम्हारा पति तुम्हारा ही बना रहे। हाँ। और दूसरी ओर, हाँ, दूसरी ओर पति से कहते हैं कि जाओ, इसी जन्म में तुम्हारी मुसीबत का अंत। बताइए, हाँ, अब बताओ, अब महादेव से कौन जवाब तलब करे। हाँ। हर कोई एक दूसरे के काम में दखल देने लगा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप कह रहे हैं? जी प्रभु, सत्यवान सावित्री के केस में खुद आपने क्या किया था? वो अब ज्यादा क्या मैं बताता हूँ। हाँ। मुनिवर, नारायण, आपको भेजा था सत्यवान के प्राण लेने के लिए। हाँ। और श्रीमान, हाँ, सावित्री को वरदान दे आए। हाँ। जाओ, 100 पुत्रों की माँ बनो। महोदय, पति के प्राण लेकर आप स्वर्ग जा रहे हैं, सावित्री 100 पुत्र इंटरनेट से डाउनलोड करें। तथास तथास से मैं तंग आ गया हूँ। ऊपर से कह रहे हैं मनुष्य सबसे सीधा जीव होता है, तो मैं फिर भी कहूंगा मुनिवर कि मनुष्य सबसे सीधा जीव होता है। मनुष्य सबसे खतरनाक जीव होता है। वो अपने आप को हमारा कृतज्ञ मानता है, वो स्वार्थी है, वो हमारे लिए मंदिर बनवाता है, वो लालची, वो पूजा करता है। पितामह, ये चाइनीज नहीं समझेंगे, ये विधानसभा नहीं है, ब्रह्मलोक है, अंडरस्टैंड? पितामह, इसका मतलब? अरे खोपड़िया में घुसल की ना घुसल। हाँ, घुसल। मैं सच कह रहा हूँ,
अगर आपको विश्वास ना हो तो पृथ्वी लोक के मीरपुर गांव से एक दिन के लिए मायाराम को बुलाकर देख लीजिए। एक दिन के लिए क्या, हमेशा के लिए बुला लिया जाए? प्रत्यक्षण के प्रमाणम, हम भी देखेंगे। प्रत्यक्षण के प्रमाणम, अरे हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। शदप 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 शदप। ये क्या था? कृपया शांत रहेंगे। शांत तो रहता हूँ पितामह। चतुर्सुत जी। जी पितामह, क्या मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्गलोक लाया जा सकता है? जस्ट मिनट, नजर लैपी में देखकर भरिया पितामह, वो एम एल के बाद एम आता है। हाँ, एम 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 मायावती, इसकी तो होगी दुर्गति। अरे मायावती नहीं, मायाराम। हाँ, मायाराम मायाराम मायाराम, मिल गया। मायाराम पुत्र स्वर्गीय भायाराम गाँव मीरपुर। पितामह, मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्ग लाया जा सकता है? इसने पुण्य के नाम पर सिर्फ एक गाय का दान किया है। वैसे भी इसकी ड्यू डेट काफी नजदीक है। पितामह रुकिए, ये ड्यू डे क्या है? मरण दिवस। नारायण। यमराज जी। जी। मायाराम को पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक लाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा प्रभु। बस सभा समाप्त, होगा वही होना है। नारायण नारायण।